वित्त मंत्री ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। अब तक तो आप टीवी चैनल की बहस सुनकर दर्जनों प्रतिक्रियाएं भी पचा चुके होंगे, लेकिन ये हिसाब किताब कैसे लगाया जाए कि बड़े बड़े दावों और भारी आवंटनों से लदा बजट हमारी जिंदगी कितनी बदलेगा। इसकी सही नापजोक के लिए जरूरी है ख्वाबों की चक्की में बजट को पीसना। तो चलिए मिलते हैं बस इतना सा ख्वाब है के किरदारों से। पहली कहानी अरविंद की थी। उनका ख्वाब था कि सरकार बजट में कुछ ऐसा करते जिससे लॉकडाउन जैसे आड़े वक्त में उनकी जेब में कुछ पैसा आ जाए। उन्हें ई श्रम पोर्टल के जरिए कुछ राहत की घोषणा होने की उम्मीद थी। ई पोर्टल से जुड़े करीब 25 करोड़ लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। खेती बाड़ी करने वाले सुधीर का ख्वाब फसल को MSP पर खरीदने की पक्की व्यवस्था और किसान सम्मान निधि की सालाना बढ़ोतरी का था। बजट में सुधीर के ये दोनों ही ख्वाब पूरे नहीं हुए। फसल खरीदने के लिए आवंटित रकम भी पिछले साल से कम है और सम्मान निधि में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। केटरिंग का काम करने वाले सुजीत जैसे स्वरोजगारियों के लिए भी कोई विशेष पैकेज राहत नहीं है, यानी उन्हें अपनी लड़ाई इस बजट के बाद भी पहले की ही तरह लड़नी है। अहमदाबाद में प्रिंटिंग प्रेस चला रहे लघु उद्यमी जतिन शाह को थोड़ी राहत जरूर मिली है। सरकार ने बिना गारंटी के कर्ज की सुविधा 1 साल के लिए बढ़ा दी है। जतिन को सस्ते कर्ज के जरिए अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सरकार ने अर्थव्यवस्था के रीढ़ MSME को मदद देने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है। मानेसर में मिड साइज कंपनी चलाने वाले मनमोहन के लिए भी बजट कोई राहत लेकर नहीं आया है। ओम प्रकाश चाहते थे कि सरकार बजट में बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लॉन्च करें जिससे उन्हें निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सके, लेकिन उनका ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया। आगरा के नौकरी पेशा रवि प्रकाश की ATC के तहत टैक्स राहत बढ़ने की उम्मीद धरी की धरी रह गई। बजट में आयकर से जुड़े प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया। जयपुर के राधे श्याम चाहते थे कि बजट में शेयर बाजार में लेन देन पर लगने वाले टैक्स में कुछ कटौती की जाए ताकि उनकी कुछ कमाई बढ़ सके, लेकिन वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की। वे बस इस बात का ही शुक्र मना सकते हैं कि सरकार ने बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की जिसने बाजार का मूड बिगाड़ा हो। कोरोना में नौकरी गंवा चुके हैदराबाद के नरसिम्हा का ख्वाब था कि नौकरियां बचाने के लिए सरकार कंपनियों की सीधी मदद करे। अगर कोई संकट आए तो वेतन ना कटे, अगर नौकरी चली भी जाए तो सरकार नकद भत्ता की व्यवस्था करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हमीरपुर के विपुल को नौकरी नहीं मिली है। उनका ख्वाब था कि सरकार एजुकेशन लोन का भुगतान किसानों और उद्योगों की तरह टाल दे, लेकिन बजट में उन्हें इस मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है। जीवन जीने की लागत कम हो, ये एक ऐसी उम्मीद थी जो सब लगाए बैठे थे, लेकिन इस पर तो बजट में चर्चा ही नहीं हुई। और भारी भरकम कर्ज कार्यक्रम महंगाई की घी में आग डालने का काम जरूर कर सकता है।